मध्य प्रदेश में उपचुनाव में शिकायतों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की है और सीएम को लेकर कांग्रेस किसान मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से जारी प्रोमो में आईपीएस की फोटो पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रोमो रोकने की मांग की है। वहीं सुर्खी और सांची में जब्त हुई शराब को लेकर भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर के हमने अनेक शिकायतें की हैं। एक कांग्रेस ने जो प्रमो जारी किया है, उस प्रमो में आईपीएस मनोज राय की फोटो है, जबकि ये असंवैधानिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उस मंच पर कमलनाथ जी स्वयं मौजूद थे।